गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 4 बज रहे सुबह के। मेरी बहन नाइट शिफ्ट में गई थी, अभी आने वाली हूँ। अभी मतलब कुछ घंटे बाद आएंगी, तो मैं कुछ खाने का बना के रख देती हूँ, फिर सो जाऊँगी। कोच और कॉर्नफ्लेक्स हैं, लेकिन जब नाइट शिफ्ट करके आती है तो ब्रेकफास्ट और लंच एक ही बार खाती है, तो मैं थोड़ा राइस दाल वगैरह कुछ बना के रख दूँ, थोड़ा हैवी। उठ के आए तो एक ही भी सो रहा है इधर आके, लेकिन इधर ही आके सो रहा है। यूजुअली मैं जब भी खाना बनाती हूँ, कोई सीरीज या फिर कोई मूवी प्ले करके रख देती हूँ, खाना बनाते बनाते देखती रहती हूँ, क्योंकि फिर देखने का टाइम नहीं होता। गाइस, आज व्लॉग के एंडिंग में गाना मैं नहीं गाऊंगी, अभी गाऊंगी पिया बोले पिया बोले क्यों ये बोले जानो ना जी को हम बोड़ी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर आपने खाया है तो ये बीन्स की जैसा होता है, पर लंबा लंबा होता है। तो मैंने सब्जी काटा, चावल बन गए। मैं ना कभी कभी बहुत डीप थॉट में चली जाती हूँ। अभी मैं हिकी को देख देख के सोच रही थी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की, कॉम्प्रहेंसन इज द की। ये देखो इधर, इसको इतनी नींद आ रही है, अंदर सो रहा था आराम से। मैं यहाँ उठ के आई तो इसको मेरे साथ आना है, ठीक है, सोना है लेकिन आना है मेरे साथ रहना है मुझे। हम तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना। प्यार ना, प्यार निभाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंशन ज़रूरी है। अच्छा मेरा बच्चा, बेड साफ कर दिया। हिकी उतरा यहाँ से, साफ किया अभी भी। हिकी क्यों डर रहे हैं? हिकी का चांदी ही चांदी है। हिकी बीन्स कैबेज सब बॉयल खाता है, उसको बहुत पसंद है। इवन ऑरेंज एप्पल बनाना सब खाता है। ज़्यादा नहीं देती मैं चिकन, नहीं तो बाद में वो फिर दूसरा कुछ खाएगा नहीं। तो मैंने एक घंटा उबाला है, बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसलिए अभी मैं इसको हाथ से भी आराम से तोड़ सकती हूँ। कि मामा खाना खाए तुम? आखिर प्याज अदरक सब खा दिया, टेस्ट नहीं मिल रहा था। अभी सब्जी का टेस्ट मिला है, अदरक काटने का मन हो रहा है। हम तेरे लिए मेंथोल स्टीम बना रहे हैं। अचानक से बारिश हो गई, छाता वाता लेके नहीं गई थी, और जुकाम पहले से था ऑलरेडी, तो और मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा ना हो जाए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ना हो जाए, तो ये मेंथोल वाला स्टीम लगा दिया मैंने ना एक, और एक सूप बना के दूंगी, बहुत ही इफेक्टिव होता है, आप भी बना सकते हैं। कि आई लव यू टू मेरा बच्चा, तो नीचे से लो और कुछ लगा देगा, कपड़ा लगा देगा उसमें, अभी लो अगर ज़्यादा हो रहा है। आ रहा है ना? भूल गई, क्या सर्दी होगी इसको भी। चलो आ जाओ, चलो मार्केट जाते हैं। अभी हम लोग चिकन लेने जा रहे हैं सूप बनाने के लिए। Thank you.
नहा लिया, खाना खा लिया, हमने नहीं मैंने, और अभी हम लोग ना राशन उठाने जाना है। अच्छा 1 तारीख है ना, तो घर का राशन उठाने जाना है। मैं बहन को उठाती हूँ जाके, उठ गई सर, आवाज़ तो आ रहा है पर वेदर तो हाँ मेरा फेवरेट है। बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, छाया छाया है। ओ माय गॉड हाउ रोमांटिक। ये किचन मोची को उठे, तुम उठ गया? चलो वो लेने जाना है ना, चलते हैं राशन पानी। राशन पानी कैसे तबीयत, पहले तबीयत बताओ, ठीक है तो जाएगा नहीं तो हम जाएगा। नो चलो यो लेकिन तबीयत तेरा ठीक नहीं तो हम जाएगा। नहीं अभी तबीयत अच्छा, देखो सर्दी भी नहीं है, मतलब ना सुप काम किया ना। तुमको तो बैठना पड़ेगा घर में, तुमको तो घर में बैठना पड़ेगा, नहीं तो तुम अगर चावल उठाएगा तो चलो उठाएगा चावल। ये भी बाहर जाने से पहले डस्टबिन, खाना वाला डस्टबिन लोगों को ऊपर उठा के जाते, नहीं तो हिकी तबाही मचा देते। यही में तो है हिकी, हम लोग कहीं नहीं गया। रूम सफा सफा क्या लगता है, इधर ही है। वाह मौसम मजा आ रहा है ना, खिड़की से देख रहे हैं, कहाँ में खिड़की से देख रहे हैं। आया था कसम, सबसे पहले हमें एटीएम जाना है। आजकल एटीएम में कुछ कुछ हो रहा है ना, एटीएम में कुछ कुछ हो रहा है, मतलब केंद्र में 2 एटीएम मशीन होता है ना। हाँ आप एक में से पैसा निकाल रहा है। हाँ वो ये ऐसा जो आपका पिन पहले देख लेगा। हाँ स्प्रे कर देता है। हाँ तो उससे मतलब बेहोश नहीं होगा, बट आपका थोड़ा सेंस थोड़ा गायब हो जाएगा, मतलब समझ भी नहीं आएगा आपको। वैसे में वो एटीएम एक्सचेंज कर लेता है, फिर पैसा मतलब निकाल लेते सारा पैसा निकालेगा। और ऐसा हुआ है कि इधर, हाँ मेरा फ्रेंड बताया, उसका मौसी के साथ हुआ है और हम लोग का ही जो कॉलेज का स्टूडेंट उसके साथ हुआ है, इसलिए डर लगता है। तब तो ऐसा करना पड़ेगा, दोनों को ही अंदर जाना पड़ेगा, हम दोनों को ही। ये घर ना इतना प्यारा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो ना एक मूवी था ना, चॉकलेट फैक्ट्री, विली वोंका का कुछ चॉकलेट का घर। हाँ उसके जैसा लगता है ये घर। हम वो इसको देखिए, सेंटा क्लॉज का एक सॉक्स टांग देगा लगता है ऊपर क्रिसमस वाला ना। जो यहाँ पे ईशा वो है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो आप लोग कुछ चाहे तो यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं आके। ये जो बहुत ग्रीस वाला फीलिंग दे रहा है वो लोगों को ये। हाँ। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा मॉडर्न हो गया ना, लेकिन ऐसे फीलिंग तो वाइब तो वही दे रहा है। जानते तो तुम भी हैंडशेक बोलो, ये कोई वो कुत्ता है, हैंडशेक दो तो। अन्यंग वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। लो ये अच्छा दो, इसी धान नहीं है ना, ये दे दीजिए 10 किलो ले लेगा ना। अरहर दाल 1 किलो, मसूर दाल 1 किलो, मटर भी। हाँ और मसाला चाहिए, राजमा कितना है? नहीं नहीं ये नहीं, हाँ ये चलेगा 1 किलो। भैया अंडा ट्रे कितना है? 170 होगा, एक ट्रे दे दीजिए। मुझे ऐसा हो रहा है कि हिती क्या कर रहा होगा, बहुत हिती किया करे। बस सामान ले लिया, अभी हम रिक्शा लेंगे और जाएंगे। थैंक यू आई लव यू टू। इतना मिस आपको कोई नहीं कर सकता। इसमें तो वो भी है, आलमंड्स भी है, चलो और पिस्ता भी है, ग्रीन ग्रीन देखो। मैं कर रही हूँ रेस्ट और मेरी बहन बना रही है डिनर, और दाल आलू एंड बीन्स, और यहाँ पे चल रही है पाकिस्तानी सीरीज हम सफर। क्या हम सफर? मेरे हम सफर, तब तक मैं देखती हूँ ब्रिजटन। बाय। बात करना आपको जरूरी है, सुनो मम्मी आने वाला है थोड़ा दिन के बाद, तो तुमको ना
बाहर रहने का नाटक करना पड़ेगा, ठीक है? बेड में नहीं उठना है, कुछ भी ऐसा नाटक थोड़े दिन के लिए बस ऐसा अभी नहीं, अभी तो उठ जाता है, पर मम्मी जब आएगा ना तो बेड में नहीं उठेगी, एक हफ्ता के लिए नाटक करना है बस, इसके बाद दोबारा से तुम बेड में चढ़ सकते हैं, ठीक है? जा सकते हो, बस इतना ही बात करना था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।